लोकसभा में बुधवार को वित्त विधेयक 2024 पारित हो गया। इसके साथ ही वित्त वर्ष 2024-25 के लिए केंद्र सरकार के वित्तीय प्रस्ताव प्रभावी हो गए हैं और बजट प्रक्रिया को पूर्ण कर लिया गया है। लोकसभा में विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मोदी सरकार का उद्देश्य कर ढांचे को सरल बनाने के साथ ही देश में विकास और रोजगार के अवसर बढ़ाना है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने पिछले एक दशक में कर ढांचे में बड़े बदलाव किए हैं। उन्होंने बताया कि करों में बढ़ोतरी किए बिना सरकार अधिक पारदर्शिता के साथ नियमों के अनुपालन को आसान बनाते हुए एक सरल कराधान व्यवस्था लेकर आई है। It was no revenue consideration for which we removed the indexation provision. We wanted to bring in simplification. We wanted to treat all assets equal, all asset class equal, and therefore we brought it in. But if people are clear that indexation is what they want, we've now given that option as well. So there is no revenue consideration or greed for more money to earn from people who have invested in their house. It is only to simplify that we brought that in. मध्यम वर्ग पर टैक्स के बोझ के विपक्ष के दावों को खारिज करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि 2023 में व्यक्तिगत आयकर के स्लैब को काफी उदार बनाया गया है। उन्होंने कहा कि सभी करदाताओं की कर देनदारी 37,500 रुपए कम हो गई है और इसका मध्यम वर्ग को लाभ होगा। मेडिकल इंश्योरेंस के ऊपर जीएसटी आने से पहले से हर स्टेट में प्री जीएसटी टैक्स लगता था, ये नया विषय आज नहीं आया है और जीएसटी पैदा होने के बाद नहीं आया, हर स्टेट में था पहले। आज आकर इधर प्रदर्शनी करने वाले हर एक से मैं पूछ रही हूं, आपके स्टेट में पहले बात की है क्या, उसको हटाओ? नहीं किए। अप्रत्यक्ष करों पर वित्त मंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए, सीमा शुल्क की प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं।